हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्नो वॉल्ट। और आज हम लेकर के आए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नाइट कर्फ्यू प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। सो ऐसे में अगर हमें पास के लिए अप्लाई करना है, हम 10 से 5 के बीच में कैसे हम निकल सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं, उसमें हम पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे हम पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में हम डालेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर, दिल्ली गवर्नमेंट लिखेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट सामने आ रही है और यहाँ देख रहे हैं जूम करके कि के लिए कैट टू अप्लाई फॉर ई पास फॉर नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 10 PM टू 5 AM। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, इंग्लिश हिंदी। आप जिसमें सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। हम इंग्लिश में क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है कि ऑलरेडी सबमिटेड एन ई पास एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू चेक स्टेटस। और दूसरा है यहाँ पे व्हाट यू नीड हेल्प विथ, तो यहाँ पे लिखा है ई पास फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग नाइट कर्फ्यू। अगर आप नाइट कर्फ्यू के दौरान पे ट्रैवल करना चाहते हैं 10 से 5 बजे तक, सो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई जा रही है। ई पास इज बींग इशूड फॉर दोज हु आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज बट डो नॉट हैव अ गवर्नमेंट आईडी। अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है और उसको लेकिन उस पर गवर्नमेंट आईडी नहीं है, सो उसके लिए ये है। और दिस फॉर्म इज बींग लॉन्च ओनली फॉर सच पीपल, लिमिटेड लोगों के लिए है। अदर काइंडली डू नॉट सबमिट दिस फॉर्म। यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी ई पास ओनली इफ़ यू आर वर्क रिक्वायर्स ट्रैवल इन द नाइट। अगर आप रात में काम करना करते हैं तो आपके लिए ये पास जरूरी है। इफ़ यू आर वर्क रिलेटेड ट्रैवल इज लिमिटेड टू डे टाइम एंड यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर दिस पास, लिमिटेड टू डे टाइम, यानी कि आपके पास दिन दिन के लिए है तो प्लीज़ उसे अप्लाई ना करें। सो यहाँ पर सबसे पहले मांगते हैं हमसे कॉन्टैक्ट नंबर। हम यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। इसके बाद नाम पूछता है, नाम डाल देते हैं। इसके बाद हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछता है, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे हम। यहाँ पर एड्रेस पूछता है, हम यहाँ पर डाल देते हैं। हम सिर्फ ट्रायल के लिए कर रहे हैं, सो हमने एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पर आपको किस परपोज के लिए, शॉप से है, बैंक, टेली कम्युनिकेशन, डिलीवरी, पेट्रोल पंप, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे आईटी के लिए डाल देते हैं। डेट कब से कब तक चाहिए हमें, कल से चाहिए जी हमें, तो हम कल से डाल देते हैं। और हमें 30 तक ही चाहिए क्योंकि 30 तक, 30 तारीख तक लॉक कर्फ्यू है। सो हम उसे वहीं तक के लिए ले लेते हैं। आईडी प्रूफ चाहिए होगा हमें, और यहाँ पे लिखा है आईडी प्रूफ में एनी अदर डॉक्यूमेंट लाइक विजिटिंग कार्ड, शॉप वगैरह जो भी है आपके नीचे उसको फिल करना है कि आपको पर्पस क्या है। सो आईडी प्रूफ के लिए हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, मैक्सिमम फाइल साइज 4 MB का होना चाहिए। सो हम इसे फाइल्स देखते हैं अपनी, हम ऐसी डेमो के तौर पे कर रहे हैं। सो हमने ब्लैंक ब्लैंक डाल देंगे। सेलेक्ट कर लिया है, इमेज आ चुकी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक विजिटिंग कार्ड, अगर आप जा रहे हैं ऑफिस, नाइट की जॉब है आपकी, तो आपको यहाँ पर एक PDF फाइल डालनी होगी मर्ज करके, जिसमें आपका आईडी प्रूफ हो, ऑफिस का आईडी प्रूफ हो, और लेटर हेड जो ऑफिस से मिला हो आपको रिटर्न में कि आपके इतने बजे से इतने बजे तक शिफ्ट है। सो हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं और ब्लैंक। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है कि अंडर सेक्शन 177 एंड 191 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के, तो ये तो सबमिट करते हैं। यहाँ पर सबमिट करने के बाद योर एप्लीकेशन हैड बीन सबमिटेड, योर ई पास रेफरेंस नंबर इज शो एंड शो। सो हम इसे एज ए कॉपी कर लेते हैं पहले, टू चेक द स्टेटस ऑफ योर ई पास। तो आप यहाँ से ई पास का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, यहाँ आप देखिए हमारी डिटेल्स आ चुकी है और यहाँ हमने कहाँ कहाँ अप्लाई कर रखा है, स्टेटस हम जान सकते हैं। करंट स्टेटस है पेंडिंग अप्रूवल। सो ऐसे हम नाइट पासेस कर्फ्यू पासेस अप्लाई कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।